भागलपुर में दुर्गोत्सव की धूम देखी जा रही है। एक तरफ जहां लोग मां दुर्गे की पूजा में लीन हैं, वहीं युवा डांडिया का भी आनंद उठा रहे हैं। शहर के स्थानीय रीति रिवाज गार्डन में डांडिया का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें शहर के 2000 से अधिक युवक युवतियों ने हिस्सा लिया और जमकर डांडिया का आनंद उठाया। इस दौरान श्री राम के गाने पर युवा खूब उत्साहित नजर आए। वहीं वंदे मातरम बजाया गया, जिस पर युवाओं ने फोन का फ्लैश लाइट ऑन कर यह दिखाया कि युवा देशभक्त हैं। 3 घंटे तक चले इस कार्यक्रम को लेकर युवा काफी उत्साहित नजर आए। दर्जनों भर युवाओं की टोली ने 2000 से अधिक लोगों को इकट्ठा कर दुर्गा पूजा को यादगार बनाया। नवरात्र के मौके पर भागलपुर शहर के शहरवासी डांडिया में मगन है। वहीं कंट्रोल रूम के एम्बुलेंस कर्मी, अग्निशमन दस्ता गहरी नींद में सो रहे हैं। वहां के एम्बुलेंस कर्मी और अग्निशमन दस्ता के जवान कुर्सी और दीवार पर टंगी वर्दी के साथ मच्छरदानी के अंदर गहरी निंद्रा में ड्यूटी पर तैनात है। हालांकि कुछ कर्मी ड्यूटी पर तैनात जरूर दिखे। भागलपुर में रात के 12 बजे का यह नजारा है, जबकि शहरी आबादी के बीच मारवाड़ी पाठशाला मैदान पर बने पंडाल समेत कई पंडालों में दुर्गा माँ की प्रतिमा जागृत हो चुकी है, लेकिन सुरक्षा ऊपर वाले के हवाले दिखा। भागलपुर में रात के 12 बजे मेला कंट्रोल रूम में जो दिखा वो आपको दिखाते हैं। देवी दुर्गा की पूजा का आज 8वां दिन महाअष्टमी है। इसको लेकर मंदिरों में काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। महिलाएं काफी संख्या में आज डाला भरने के लिए पहुंची, साथ ही मां को खोइचा भरी। भागलपुर के मोहद्दीनगर दुर्गा मंदिर में सुबह से महिला श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। यहां मां की पूजा अर्चना कर डाला भरकर मन्नतें लोग मांगते रहे। यहां शहर में सबसे ज्यादा महिलाओं की भीड़ उमड़ती है। बताया जाता है कि जिनकी गोद सूनी रहती है माता उनकी गोद भरती है, और सच्चे मन से जो यहां आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। आज महाअष्टमी पर महागौरी की पूजा की जा रही है। मान्यता है कि अष्टमी पर ही असुरों के संहार के लिए माँ दुर्गे प्रकट हुई थी, इसलिए महाअष्टमी का खास महत्व है। आज अष्टमी है, महाअष्टमी है, आज माँ का महान दिन है। आज माँ जो भी मनोकामना आदमी जो भी रखता है आज के दिन पूर्ण होती है। आज माँ का इसलिए पूजा करते हैं कि हम लोग घर में सुख शांति दे, सबको अच्छे से घर में सुख शांति दे, बरकत दे, और क्या, बस इसलिए पूजा करते हैं। पूरे मोदी नगर में जान जहाँ कुतुबगंज बहुत सारे समाज से सारी महिलाएं आती हैं, डलिया चढ़ाती हैं और अपनी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आज हम भी बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि आज मेरी दीदी का भी टीचर में सिलेक्शन हो गया है, इसलिए मैं बस दुर्गा जी से ही कामना करूँगी और भी जितनी भी विद्यार्थी हैं सबकी मनोकामना पूर्ण हो, जितने भी श्रद्धालुगण आए हैं सबकी मनोकामना पूर्ण हो। ओम भास्कर विधानसभा संयोजक के भागलपुर, भारतीय जनता पार्टी की ओर से भागलपुर, बिहार और देशवासियों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर देवराज सिंह, अध्ययन जीवन सोसाइटी। आज सुबह को दुर्गा पूजा एवं विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दुर्गा पूजा शक्ति की पूजा है। आपको माँ दुर्गे शक्ति देगी, आप अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। साथ ही विजयादशमी का त्यौहार है जो हमें विजय गाथा सिखाती है। असत्य पर सत्य की जीत, बुराइयों पर अच्छाई की जीत हमें बताती है। खास करके
और सनातन विरोधी विचारधाराएं जागृत हो रही हैं। इस पर आपको नजर रखनी होगी। छोटे छोटे स्वार्थ के लिए आप अपने धर्म का बलि नहीं दें। इसके साथ ही एक और निवेदन है कि आप मां दुर्गा का पूजा कर रहे हैं, आपको सफलता दे, लेकिन घर में भी माँ है, पिता है, सभी लोग उनका भी ध्यान रखें। वो बुढ़ापे में सिर्फ आप ही उनके सहारा हैं, जिन्होंने अंगली पकड़कर आपको यहाँ तक लाया है, उनका शब्द धन्यवाद। राजकुमार रंजन पहल ग्रुप की ओर से भागलपुर बिहार और देशवासियों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं प्रिया सोनी माँ आनंदी संस्था की संस्थापिका, संस्था के सभी सदस्यों की ओर से शहर वासियों के साथ साथ समस्त देशवासियों को नवरात्रि की ढेर सारी हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। मातृशक्ति की आराधना के लिए वर्ष में 9 दिन विशेष रूप से दिया गया है और यह नारी शक्ति के आदर और सम्मान का प्रतीक है और हमें यह एहसास दिलाता है कि नारी शक्ति को किस रूप से पूजा जाता है, साथ ही साथ समाज के अन्य पुरुधाओं को भी उनकी शक्ति का एहसास दिलाता है। जिस तरह से हम लोग नवरात्रि में माता के 9 रूपों का पूजा करते हैं, उसी तरह से हमें नारी शक्ति के विभिन्न गुणों का पहचान करना चाहिए और माता बेटी एवं पत्नी को वैसे ही सम्मान देना चाहिए। तो आइए इस नवरात्रि हम लोग उपासना के साथ साथ नारी को सम्मान करने के लिए संकल्प ले और दृढ़ संकल्प ले। जय माता दी। राकेश कुमार दुबे उर्फ गुड्डू दुबे पूर्व वार्ड पार्षद और निशा दुबे वार्ड नंबर 22 की पार्षद की ओर से भागलपुर बिहार और देशवासियों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं मनीष यादव साईं मंदिर नकटुलिया की ओर से तमाम शहरवासियों एवं पूरे देशवासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। जय साईं। नमस्कार, मैं रवि झा झा प्रॉपर्टीज की ओर से तमाम भागलपुर वासियों एवं देशवासियों को दुर्गा पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय माता दी। नमस्कार, मैं अभय राय डायरेक्टर एडीआरएस प्रॉपर्टीज भागलपुर की ओर से समस्त भागलपुर वासियों बिहार वासियों एवं देशवासियों को दुर्गा पूजा दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक बधाई देता हूं। जय माता दी। नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमार यादव भागलपुर की समस्त जनता को दुर्गा पूजा दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय माता दी। जय हिंद। नमस्कार, मैं शिषपाल भारती प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी जिला जनता दल यू भागलपुर की ओर से दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामना और बधाई भागलपुर वासियों को बिहार वासियों को देशवासियों को देता हूं। जय माता दी। नमस्कार, मैं संतोष कुमार कुमार प्रत्याशी की ओर से समस्त भागलपुर वासियों एवं शहर वासियों और देशवासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दुर्गा पूजा आपके जीवन में सुख समृद्धि लावे। जय माता दी। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
भागलपुर के चर्चित धूरी यादव हत्याकांड, अफजल हत्याकांड के साथ साथ हाल में ही ततारपुर थाना अंतर्गत टिंकू अंसारी की मार्बल दुकान में हुई गोलीबारी कांड का मुख्य आरोपी और उसकी सरगना को भागलपुर पुलिस ने पश्चिम बंगाल के बोलपुर से गिरफ्तार कर लिया। पश्चिम बंगाल के बोलपुर से मोहम्मद आदिल और मोहम्मद मिखाइल, जो शूटर का काम करता है, उसे गिरफ्तार किया गया है। वहीं इन दोनों के बयान के आधार पर दो अन्य अपराधी रंजीत तांती और मोहम्मद मिराज आलम को भी भागलपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सबों का आपराधिक इतिहास रहा है। सभी आरोपी कई कांडों में संलिप्त है। इन अपराधियों के बारे में भागलपुर के SSP आनंद कुमार को इसकी गुप्त सूचना मिली और उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर और पुलिस उपाधीक्षक नगर की निगरानी में एक टीम गठित की और इस टीम ने इन चारों कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। भागलपुर का चर्चित धूरी यादव हत्याकांड एवं सिल्क व्यापारी अफजल हत्याकांड जो नाथनगर थाना में हुआ था और ततारपुर में हाल ही में टिंकू अंसारी के मार्बल दुकान पे गोलीबारी का कांड हुआ था, इसमें अभियुक्तों के बारे में जानकारी मिली। SSP सर द्वारा एक टीम का गठन किया गया जिसका नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक नगर कर रहे थे। उक्त टीम जो पश्चिम बंगाल गई, पश्चिम बंगाल के बोलपुर से मोहम्मद आदिल और मोहम्मद मिखाइल, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों कुख्यात शूटर हैं और इन दोनों के ऊपर ये धूरी यादव हत्याकांड और टिंकू अंसारी के ऊपर जो मार्बल दुकान पर गोलीबारी हुई थी और सिल्क व्यापारी अफजल हत्याकांड में इन दोनों का नाम है। और इनका फिर जब कन्फेशन लिया गया तो इनके साथ जो लोग थे, रंजीत तांती और मोहम्मद मिराज आलम, इनको भी गिरफ्तार किया गया। रंजीत तांती के ऊपर भी मर्डर केस था, इसमें 9 साल सजा काट किया है। पुजारी हत्याकांड में ये 9 साल जेल में था। मोहम्मद आदिल के ऊपर टोटल 5 केस अभी तक हम लोग को मिले हैं और भी केसों के बारे में पता लगाया जा रहा है। ये हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक पदार्थ आदि में वांछित था और मोहम्मद मिखाइल जो है वो हत्या एवं आर्म्स एक्ट में वांछित था। इन लोग का अच्छा खासा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये लोग शूटर का काम करते हैं और जो हमारी स्पेशल टीम थी उसने बहुत अच्छा काम किया। इस स्पेशल टीम में मनीष कुमार SHO ततारपुर, मुरलीधर शाह DIU टीम से, प्रमोद शाह, मोहम्मद नईम अहमद, बच्चन कुमार, अभिमन्यु कुमार सिंह और CID का बल था। और ये वेस्ट बंगाल गए, वहाँ पे बोलपुर जगह है कोलकाता में, वहाँ से इनको पकड़ के लाया गया है और पूछताछ चल रही है। पूछताछ के क्रम में जो भी आगे आएगा वो उससे भी हम आप लोग को अपडेट कर देंगे। भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कचहरी चौक स्थित दुर्गा मंदिर में मां दुर्गा के सामने अपनी हाजिरी लगाते हुए मां का दर्शन किया। विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि मां सबों की मनोकामना पूर्ण करे, विश्व का कल्याण करे, सभी लोग सुखी व संपन्न रहे, इसके लिए हमने मां दुर्गा से पूजा अर्चना कर लोगों के लिए वंदना की है। वहीं उन्होंने 2024 के चुनाव को लेकर कुछ भी कहने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि आज नवरात्रि की महाअष्टमी पूजा है, यहाँ सभी माथा टेकने आते हैं। मैं भी अपने पूरे परिवार के साथ जगत के कल्याण को लेकर माँ के दरबार पहुँचा हूँ। मैं राजनीति पर आगामी 2024 के चुनाव पर कुछ भी नहीं कहना चाहता। त्योहार के समय में कुछ भी टिप्पणी सही नहीं है। भाई आज तो माँ दुर्गा का अष्टमी पूजा है, सब लोग आएंगे पूजा करने और मैं आया था, माँ को पुष्पांजलि भी अर्पित किया, पूजा भी किया। सिर्फ अपने तरफ से, अपने परिवार की तरफ से मैंने पूजा नहीं किया, मैं पूरे भागलपुर के सभी भाई बहनों की तरफ से, पूरे बिहार वासियों की तरफ से, पूरे देशवासियों की तरफ से मैं माँ दुर्गा से आग्रह किया हूँ, प्रार्थना किया हूँ कि सब पे आपका आशीर्वाद बना रहे और सभी हम लोग मिलजुल के भारतवर्ष को आगे बढ़ाएं और सभी लोग को आप आशीर्वाद दें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी देशवासियों को, बिहारवासी, भागलपुरवासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामना देता हूं और अष्टमी के दिन माँ दुर्गा का सब पे आशीर्वाद बना दें। महाअष्टमी और दुर्गा माँ से मनोकामना करेंगे 2024 इंडिया गठबंधन के लिए। ये देखिए, ये लोकतंत्र की बात है, वो तो फैसला होगा, लेकिन अभी आज पूजा सबके स्वस्थ रहने के लिए होता है, सबको आगे बढ़ने का होता है, ये राजनीति को इसमें जोड़ना उचित नहीं है। नीतीश कुमार के चहेते JDU विधायक गोपाल मंडल हर समय अपने अनोखे अंदाज से सुर्खियों में रहते हैं।
गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल ने नवरात्रि के शुभ अवसर पर अपने बेटे आशीष मंडल के रेस्टोरेंट बिग डैडी में हो रहे डांडिया नाइट में लोगों के साथ जमकर थिरके। जब जदयू विधायक गोपाल मंडल के हाथों में डांडिया स्टिक आ गया तो मानो उनके पैर जमीन पर रुक नहीं रहे थे। वो जमकर हीरो बना ले पिया गाने पर थिरकने लगे और लोगों का खूब मनोरंजन करते दिखे। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही माइक अपने हाथ में थाम लिया और जमकर लोगों को अपनी कलाकारी और अपने गौरव के बारे में पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले कहा कि बिग डैडी रेस्टोरेंट जहां आप अभी डांडिया डांस करने आए हैं वो मेरे दुश्मन ने आग लगाकर बुरी तरह जला दिया था, लेकिन मैंने फिर से इस रेस्टोरेंट को तैयार किया, मैं किसी से डरने वाला नहीं। वो उन्होंने अपने कलाकारी का भी परिचय देते हुए कहा कि आगे का फिल्म खगड़िया वाली भौजी में मैं खुद काम किया हूं, मैं खुद एक अच्छा कलाकार हूं और आप लोग पूरी तरह डांस का मजा ले, मैं भी आपके साथ हूं। साथ उन्होंने कहा कि मेरे बेटे आशीष मंडल ने कहा था कि मेरे पिताजी किसी से नहीं डरते, सचमुच मैं किसी से नहीं डरता। भागलपुर में दशहरा मेले को लेकर पुलिस प्रशासन पूर्ण रूपेण कमर कस ली है। इसको लेकर आज सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने भागलपुर वासियों से अपील करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण व सौहार्द के साथ दशहरा पर्व मूल भावनाओं के साथ मनाएं और महिलाओं तथा बच्चों का सम्मान करें। साथ ही सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने कहा कि भीड़ में जो भी उपद्रवी और असामाजिक तत्व हैं उनको चिन्हित करने के लिए हर पूजा पंडाल में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और वीडियोग्राफी भी की जा रही है। सिरनी दल भी लगी हुई है, टाइगर मोबाइल, सीआईटी टीम भी प्रतिनियुक्त है, हर चौक चौराहों पर भी फोर्स तैनात है। सोशल मीडिया के सभी गतिविधियों पर पैनी नजर है। ट्रिपल आईटी के माध्यम से शहर में लगभग 1800 कैमरे से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। शोभा यात्रा में भी डीजे पर पूर्ण रूपेण पाबंदी है। पूजा में शर्तों पर जो रजिस्ट्रेशन जारी की गई है अगर नियमों का पालन नहीं करते तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। पूरे शहरवासियों से यही अपील है कि जो दशहरा पूजा जिस तरह से मनाया जाता है मूल भावनाओं से, उसी मूल भावनाओं से मनाएं और दशहरा के दौरान जो महिलाएं हैं बच्चे हैं उनका सम्मान करें और भीड़ में जो भी उपद्रवी हैं या जो भी असामाजिक तत्व है उनको चिन्हित किए जाने हेतु सभी जगह पे पंडालों में सीसीटीवी लगाए गए हैं और वीडियोग्राफी भी की जा रही है और सभी जगह पे सिरनी दल भी काम कर रहे हैं, हमारे टाइगर मोबाइल भी सब जगह सीआईटी के तौर पर प्रतिनियुक्त है और सभी चौक चौराहों पे पंडाल में और बाजारों में जहाँ पे भीड़ हो रही है वहाँ भी हमारे फोर्स तैनात है तो सभी निगरानी में है, तो कोई भी इस तरह के हरकत नहीं करे जिससे कि विधि व्यवस्था या शांति या भीड़ भाड़ में किसी के सुरक्षा पे किसी तरह का कोई इस तरह की आपत्तिजनक चीज़ें आएँ जिससे उन पर कार्रवाई भी झेलना पड़ सकता है। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी सभी गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही है, ICCC के माध्यम से भी 1800 कैमरे के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है, तो कई माध्यमों से पूरे त्यौहार पे हर चौक चौराहे पे हर पंडाल पे और साथ में जब जुलूस होगी उस पर भी हर तरीके से निगरानी रखी जाएगी। इसीलिए जो जुलूस में भी जो डीजे हैं उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध है और डीजे नहीं बजाना है और जो लाइसेंस निर्गत किया जा रहा है उसमें जो भी शर्त है उस शर्त का उल्लंघन करने पे जो पूजा समिति के सदस्य हैं और साथ में जो भी वीडियो में चिन्हित होंगे अगर कोई उल्लंघन करते हैं उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो पूरे शहरवासियों से यही अपील है कि शांतिपूर्वक और सौहार्द के साथ उस त्यौहार को मूल भावनाओं के साथ मनाएं। पूरा पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन पूरी तरह से आपके साथ मुस्तैद है और आपके साथ सहयोग में तत्परता के साथ खड़ा है। शांति व सौहार्द के साथ भागलपुर में दुर्गा पूजा मनाने को लेकर SSP आनंद कुमार के आदेशानुसार सिटी DSP अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में पूरे शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। सिटी DSP अजय कुमार चौधरी ने बताया कि दुर्गा पूजा के दौरान सड़कों और पूजा पंडालों के पास काफी भीड़ जाती है जिसको नियंत्रित करने के लिए हम लोगों ने हर एक पंडाल और चौक चौराहों पर CCTV कैमरे लगा रखे हैं। वहीं SSP के जवान, सिरनी दल, CIT के सभी दल और अन्य दलों के जवानों को बाहर से बुलाकर हर चौक चौराहों पर एवं पंडाल के पास प्रतिनियुक्त किया गया है। हम लोगों ने शहर में शांति बहाल करने को लेकर फ्लैग मार्च निकाला। उम्मीद है त्यौहार शांति व सौहार्द के साथ संपन्न होगा। दुर्गा पूजा के अवसर पे विधि व्यवस्था संधारण हेतु और शांतिपूर्ण यह त्यौहार मनाई जाए इसके लिए
हमारे साथ CIT की टीम है, SSP के कंपनी आई है, और दंगा है, बजरा टीम है, साथ में 5 DSP भी आए हैं, जिनको कलगांव थाना और सुल्तानगंज कलगांव अनुमंडल, सुल्तानगंज अनुमंडल और शहर के, और जो महिला DSP हैं उनको जो 7 सैन्य दल का एक QRT बनाया गया है उनके बड़े प्रभार में रहेंगी। इन सभी टीम के माध्यम से आज पूरे शहरी क्षेत्र का फ्लैग मार्च भ्रमण किया जा रहा है, और हमारा जनता से यही अपील रहेगा कि इस पूरे त्यौहार को पूरे हर्षोल्लास और मूल भावनाओं के साथ मनाएं, इसमें किसी तरह का कोई ऐसी गतिविधि एक्टिविटी नहीं करें जिससे कि हमारी महिलाओं को या जो भी श्रद्धालु हैं उनको किसी तरह का कोई समस्या हो, क्योंकि चारों तरफ CCTV लगाई गई है, चारों तरफ निगरानी रखी जा रही है, सभी संवेदनशील स्थानों पर DSP लाइन के माध्यम से बल की तैनाती की गई है, मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, और सभी स्थलों पे पूरे मुस्तैदी के साथ निगरानी रखी जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भागलपुर इकाई के द्वारा विजयादशमी के उपलक्ष्य पर पथ संचालन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम गोरट्ठा रोड सिकंदरपुर में आयोजित किया गया। स्वयंसेवकों ने पूरे शहर में पथ संचालन शोभा यात्रा निकालकर पूरे शहर का भ्रमण किया। उसके बाद बौद्धिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह बौद्धिक कार्यक्रम रामचंद्र विभा वन शीतला स्थान चौक के पास की गई। जानकारी नगर प्रचार प्रमुख भागलपुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आशीष आनंद ने दी। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता मौजूद थे। भागलपुर जिले के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन एक और जहां हर गांव कस्बे में जाकर जनसंवाद कार्यक्रम कर लोगों की समस्याओं से सीधे रूबरू हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जिले के जगतपुर गांव के वार्ड नंबर 15 के लोगों को अभी भी जल और नाले की समस्या बनी हुई है। जबकि इस वार्ड में ऊंची जल मीनार है लेकिन लोगों को पानी दूर से बढ़ेपुरा और तबलपुर से लाना पड़ता है। वहीं विद्यालय के पास भी नाला जाम है, बच्चों को बांस की चचरी से होकर जाना पड़ता है जो जोखिम से भरा है। जल जमाव के कारण अनेक लोग बीमारी के शिकार भी हो रहे हैं। यहाँ के ग्रामीण भू माफियाओं से भी काफी परेशान हैं। पहले तो भू माफिया गरीब और लाचार व्यक्ति का जमीन हड़पता था, अब उसकी नजर सरकारी संपत्ति पर भी है। जबकि आए दिन बिहार में जमीन को लेकर सरकार की कानूनी डंडा अनेकों अंचलाधिकारी, थाना अध्यक्ष, राजस्व कर्मचारी आदि पर भी चल चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कब तक इस गाँव के लोगों को न्याय मिल पाता है। मिलकर अपने से तो आते हैं तो इतना इतना पानी आया था, क्या करें? पढ़ने आते हो? यस सर। क्या क्या परेशानी होता है? गिरता भी है लोग? हाँ यस सर, आदमी गिर जाता है कभी आते आते, पानी आता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है ना। यस। क्या परेशानी है जो चचरी का पुल देख रहे हैं? चचरी का पुल हम लोग रास्ते में, इसलिए चचरी का पुल हम लोग बनाए, उसी बच्चा स्कूल आता है और बच्चा बराबर यहाँ पर एक्सीडेंट होता है, दूर जाना पड़ता है, पूरे जगतपुर ये जो पूरे जगतपुर का बच्चा आता है, नाला जाम है, हर नाला जाम है। तो जाम जो है इसकी शिकायत आप लोगों ने कोई जनप्रतिनिधि किसी को दी है? किसको शिकायत? तो क्या